नमस्कार रागादीरोगा सततान शक्तान अशेष काय प्रसृता शाक्यम हरिदान जगान योग पूर्व वैद्यामस्त अखंडमंडलाकार चराचरम तत्पथम दर्शित येन श्री गुरुवे नमः सो गुड आफ्टरनून दिस वन डॉक्टर विद्यासागर पंचार। वी आर रनिंग एट द एंड ऑफ द सेशंस ऑफ लेक्चर्स इन प्लेटफॉर्म I hope uh, this will be the last lecture. So today I am going to deal with uh, the acid peptic disorders in Ayurveda, uh, especially the amlapitta grahani rogas, which are explained by all the brahtris uh, in uh, indirect form. So Charaka, Sushruta, and Vagbhata, they never describe the disease amlapitta as a separate entity. Instead, they have mentioned it uh, scatteredly in different uh, Uh, references. So before moving to the आम लपित एज सच इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू the the द वे ऑफ फूड द वे ऑफ़ लाइफ स्टाइल वॉट वी आर इन टूडे तो आज के ज़माने में हमारे खान पान हमारे विधि विधान जो खाने पीने के हैं इनमें जो व्यत्यास हुआ है इनकी वजह से ये व्याधि इतना जोर पकड़ा है इसीलिए आजकल जो जो रिसेंट ऑथर्स है जैसे माधव निदान है भाव प्रकाश और भैषज रत्नावड़े ऐसे ऑथर्स इस डिसीज़ के बारे में ज़्यादा बोले हैं सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हेन वी लुक टुवर्ड्स द द आहार विधि व्हाट वी आर कंज्यूमिंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेफरेंस रेफरेंस इज फ्रॉम चरक विमान एंड देर ही एक्सप्लेन्स अष्ट विधि आहार विशेष आयतन अष्ट विधि आहार विशेष आयतन सो वेन यू डिवाइड दीज वर्ड्स अष्टा एट टाइप्स अष्ट आहार विधिज दे आर द वे ऑफ टेकिंग फूड सो आहार विधि विधि पूर्वक आहार का सेवन करना है तो ऐसे आचार्यों का कहना है तो वो आहार विधि क्या है प्रकृति कर्ण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था और उपभोक्ता तो इनके आधार से ही इनके आ, इनको ध्यान में रखते हुए हमें खाना पीना करना चाहिए तो इससे क्या होता है तो आहार का सम्यक पाचन होगा तो आहार में आम रस वगैरह का उत्पत्ति नहीं होगा वो हम देखते हैं और आगे आचार्य चरक कहते हैं कि ये भोजन कैसे करना है तो ये भोजन की विधि के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के यही लक्षण लेके आते हैं और ये कंप्लेंट्स ज़्यादातर उनमें होता है और व्हेन वी आस्क देम व्हेन वी आस्क डिटेल अबाउट देयर ऋतुचर्या एंड देर दिनचर्या एंड देर लाइफ स्टाइल देर रिवील दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स जो जो भी रुग्ण हमारे पास आता है तो गुरुदेव वैद्यानंद धर्माधिकारी जी जो सिखा है उनके जो पेशेंट को देखने की तरीका है तो हमें पहले सुबह से उठने के बाद शाम तक वो पेशेंट क्या कर रहा है तो उसका पूरा हिसाब हमें लेना पड़ेगा तो सुबह आचार्य चरक जैसे विमान स्थान में कहते हैं जीर्णे अश्नियात जो पहले का आहार डाइजेस्ट हो चुका हो तभी हमें खाना चाहिए जीर्ण अशनियात खाने का पहले वाला खाना जब डाइजेस्ट हो चुका हो अग्नि वृद्धि हुई हो भूख लग रहा हो तब हमें खाना चाहिए तो ये हुआ जीर्ण अशनियात स्निग्धम अशनियात हमेशा स्निग्ध आहार का फ्रेश आहार का हमें सेवन करना है उष्णम उष्ण आहार ही लेना है फ्रिज में रख के सड़ा हुआ खाना दूसरे दिन नहीं खाना है उसके बाद मात्रा वतनीयात मात्रा का भी ध्यान हमें रखना है कभी मिल रहा है तो पूरा खा लिया कभी नहीं मिल रहा है तो नहीं खाया कभी भूख है फिर भी थोड़ा खा के उठ उठा ऐसा नहीं है तो मात्रा व तशनीयात इष्ट देश है इष्ट उपकरण इष्ट देश में हमें जहाँ पसंद हो उस स्थान में बैठ के हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि सराउंडिंग ऑल्सो मैटर्स तो ये सब विधि के अनुसार अगर खाना खा रहे हैं तो उनको ये सभी जो आम आमलपित्त हो या कोई भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर हो कोई भी गैस स्ट्रबलो ये सब होगा नहीं तो अजलपन अहसन तनमना भुंजीता कैसे हमें खाना खाना चाहिए अजलपन बात करते हुए नहीं अहसन हंसते हुए खेलते हुए नहीं या टीवी देखते हुए ऐसा नहीं है तो अजलपन अहसन तनमना भुंजीता मनपूर्वक आहार का सेवन हमें करना चाहिए तो इस तरह का आहार विधि का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा आहार का सम्यक पाचन होगा तो ये जो भी आम दोष होगा अजीर्ण जन्य दोष होगा वो हमारे शरीर में होंगे नहीं तो इसके हमें ध्यान रखना चाहिए और दूसरी चीज़ जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हमें क्या देखना चाहिए पहले कि इसकी अग्नि कौन सी है क्या ये रुग्ण मंदाग्नि का है क्या ये रुग्ण तीक्ष्णाग्नि का है या विषमाग्नि वाला है तो इसके आधार पर भी हमें आ, आगे जाके औषध उपचार करना होता है तो इसलिए अगर मंदाग्नि वाला पेशेंट है तो उसको अग्नि तीक्ष्ण करने के लिए हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा तो ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना है ये, ये का रेफरेंस कहाँ मिलते हैं हमें अगर मैं कुछ रेफरेंस देना चाहता हूं जो बहुत सारे पीजी के भी स्कॉलर्स सुन रहे हैं तो आ, ये जो आम्ल पित्त के जो रेफरेंसेस हैं वो हमें मिलते हैं चरक सूत्रस्थान पहले अध्याय से ही मिलते हैं वहां पर जब आ, ये क्वालिटीज़ ऑफ दुग्ध जब एक्सप्लेन करते हैं आचार्य चरक चरक सूत्रस्थान पहले चैप्टर में ही शायद वन टेंथ श्लोका होगा तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं पांडुरोगे आम्लपित्ते च शोषे गुलमे तथोदरे दैट इज द दुग्ध इज गुड इन कंडीशंस लाइक like पांडुरोग आम्लपित्त शोष गुल मंड उदर सो so, देर कम्स द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ आम्लपित्त इन चरक संहिता तो उसके बाद रेफरेंसेस हमें मिलते हैं जैसे विरुद्ध विरुद्ध जन्य जो दोष हैं तो उनको जब एक्सप्लेन करते हैं आचार्य चरक तो उसमें आ, उसमें भी ये जो लक्षण है वो दिखते हैं वहाँ पर आम्लपित्त ज्वरा पीनसादीन करके रेफरेंस हमें मिलता है वो चरक सूत्रस्थान ट्वेंटी सिक्स चैप्टर में जहाँ पर विरुद्ध आहारों का वर्णन है और वहाँ पर जो विरुद्ध आहार जनित दोष है उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है तो वो ट्वेंटी सिक्स चैप्टर है वहाँ पर शांड्य आंध्य विसर्पा आदि लक्षणों को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर ही आम्लपित्त करके बहुत छोटा सा एक रेफरेंस हमें मिलता है दूसरा रेफरेंस हमें मिलता है महातिक घृत के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो चरक चिकित्सा स्थान सेवन चैप्टर में जहाँ महातिक्तक घृत का रेफरेंस आता है तो महातिक्तक घृत के फलश्रुति में का कार्यम वातासृक आम्लपित्तम वैवर्ण्यम मूत्र अनिल शुक्र दोषमुक्त तो ये महातिक्तक घृत के फलश्रुति में भी आम्लपित्त का रेफरेंस हमें मिलता है तो और एक जो चरक संहिता में हमें देखने को आम्लपित्त का डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है तो वो चिकित्सा स्थान के ग्रहणी चिकित्सा में तो वहाँ पर जो आम दोष पित्त के साथ जब मिलेगा तो पित्त जो को करेगा तो संस्य जमाना पित्ते ना दाहम तृष्णा मुखामयान जनयंत आम्ल पित्तम सो दिस इज द डायरेक्ट रेफरेंस यू गेट इन द चरक संहिता ऑफ uh, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय उसके बाद हमें और एक रेफरेंस जहाँ मिलता है जहाँ पर अग्र औषधि के बारे में बताया गया है तो चरक सूत्र स्थान पुरुषी अध्याय में जहाँ पर अग्र औषधि के बारे में रेफरेंस हमें मिलता है तो वहाँ पर कुलत्थम आम्लपित्त जनना नाम श्रेष्ठ ऐसे करके डायरेक्ट रेफरेंस भी हमें तो मिलता है तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आचार्य चरक को आम्लपित्त के बारे में पता नहीं था ऐसा नहीं है या सुश्रुत को पता नहीं था ऐसा नहीं है इन आचार्यों को भी ये व्याधि के बारे में समूलाग्र वर्णन माही में था फिर भी इन्होंने इसको वर्णन करने का इतना उपयुक्त नहीं समझा क्योंकि ये स्कैटर्ड रेफरेंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे और गृहणी में जो पित्तज ग्रहणी है इट इज़ नथिंग बट आम्लपित्त के लिए लक्षण ही उधर मिलता है तो गृहिणी चिकित्सा में इसका भी अंतर्भूत हो जाता है तो इसीलिए आचार्य समझे होंगे कि इसका और एक बार एक्सप्लेन करना उचित नहीं समझा होगा तो ठीक है वो जो भी रेफरेंसेस है आचार्यों ने बताया तो है तो अब हम जाएंगे व्याधि पर तो ये व्याधि कैसे उत्पन्न होता है तो ये आम्लपित्त जनन कैसे होता है शरीर में इसको अगर हम देखते हैं तो पहले जाएंगे निदानों के ऊपर तो क्या क्या निदान है जो आम्लपित्त को करते हैं तो उनमें है पहले माधव निदान जो जो कहते हैं तो विरुद्धा दुष्टाल्ल विदा ही पित्त प्रकोपिनम पानान्न भूजो विदग्धम पित्तम स्वहेतुपचितम पुरा तद य आम्लपित्तम प्रवदती संता दैट इज विरुद्ध आहार के सेवन सबसे पहले बताया गया है दुष्ट और विदाही आहारों का सेवन बताया है जो जो भी आहार पित्त प्रकोपक हो वो सभी आहार को पित्त कर्म मतलब आम्लपित्त के श्रेणी में रखा गया है तो उसके बाद हम जाएंगे कश्यप संहिता का खिलस्थान पर तो कश्यप संहिता में बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन आम्लपित्त के बारे में दिया है वो पूरा चैप्टर ही डेडिकेट करते हैं कश्यप जी तो वहाँ पर कश्यप स्थान के खिलस्थान में एक डायरेक्ट रेफरेंस मतलब वो पूरा चैप्टर ही आम्लपित्त का ही है तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर निदानों के बारे में वर्णन है विरुद्धाद्यशन अजीर्णा आम च आम च नाम पिष्टा अपक्वा मद्यास से गुरु विष्य भोज्या वेगानाम धारण से फाणीतेषु इक्षुविकण च शीलनात् बृष्टधान्यूलाका पृथुकाना तथा तथैवच ऐसे बहुत सारे निदानों के बारे में बताया गया है ये जो भी निदान आचार्य कह रहे हैं तो ये डायरेक्टली इसमें दो प्रकार के हैं एक डायरेक्टली पित्त प्रकोप करने वाले हैं जो उनके आम्ल रस से है दूसरा है जो आम्ल विपाक के विपाक के कारण जो पित्त को प्रकोपित करते हैं तो ये इस तरह दो प्रकार के विंगणना हम कर सकते हैं जो दूसरे हैं तीक्ष्ण और उष्ण गुण की वजह से यहाँ पर पित्त का प्रकोप कर रहे हैं तो जो रोगी है वो उसकी अग्नि पहले से ही मंद है जो मंदाग्नि वाला पेशेंट है और यहाँ पर विदग्धता हो रहा है शरीर में जो आमाश है कफ का स्थान होते हुए भी यहाँ पर पित्त और कफ के दोनों का मिलित संप्राप्ति यहाँ पर हो रहा है सो बोथ पित्त एंड कफ आर अफेक्टेड इन कफ स्थान सो दिस इज द बेसिक्स एवरी वन फॉर दिस आम्ला पित्त इज टू बी अंडरस्टूड सो प्रकृपित जो प्राकृत रस है पित्त का उसको कटुर बोला, बोला गया है आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं पित्त का प्राकृत रस जो है वो कटु है लेकिन यही पित्त जब विकृत हो जाता है तो उसमें आम्ली भवन और आम्ल रस आ जाता है तो पित्त का प्राकृत जो नॉर्मल टेस्ट है वो कटु रस है लेकिन उसमें विदग्धता जब आता है तो आम्ली भवन हो जाता है तो आम्ल रस का उत्पत्ति होता है तो यहाँ पर विदग्ध जो भी उत्पन्न कर रहे हैं या द्वितीय अवस्था पाक जिसको हम अवस्था पाक कहते हैं उसमें जो द्रव्य ज्यादा ज़्यादा देर तक ठहरता है तो वो भी ये विदग्धता उत्पन्न कर सकता है तो तो इसको भी हम आम्लपित्त के निदानों में सेवन कर आ, मिलन कर सकते हैं दूसरा है गृहिणी में गृहिणी चैप्टर में चरक चिकित्सा स्थान के पंद्रहवा अध्याय में वहाँ पर गृहिणी के जो प्रॉपर गृहिणी अध्याय के वर्णन से पहले जो अग्नि दोष के बारे में आचार्य कहते हैं तो वहाँ पर के निदान भी यहाँ पर देखने योग्य हैं तो उनको अगर आप देखते हैं चरक चिकित्सा स्थान फिफ्टीन चैप्टर में अभोजनात् अजीर्ण अति भोजनात् अभोजन करने से आचार्य कहते भी न भोजन है न काया अग्निर कुप्यते आ, दीप्यते नाति भोजन अभोजन से भी अग्नि वर्धन नहीं होगा और अति भोजन से भी अग्नि की वृद्धि नहीं होगी तो इसीलिए जब भोजन की भूख लगता है तो उस समय खाना खा लेना चाहिए तो अभोजन से अति भोजन से और विषमाशन से और असात में गुरुशीत अतिरूक्ष संदुष्ट भोजन सो तो ये सभी जो निदान आचार्य कहते हैं ये सभी क्या है अग्निदुष्टि के निदान है तो इनसे अग्नि दूषित होता है आम्लपित्त नहीं होता अग्नि दूषित होता है जब अग्नि दूषित होगा तो मंदाग्नि बनेगा जब मंदाग्नि बनता है तो वो सम्यक तरीके से पाचन नहीं करेगा तो ये पाचन नहीं करने की वजह से जो अपच्यमान शुक्तत्व यात्यन्नम विषय रूपताम देट इज ये शुक्तत्व आ जाता है तो शुक्तत्व का मतलब क्या है वहाँ पर चक्रपाणि जी नीचे कमेंट करते हैं शुक्तत्व आम्लतम दैट इज आम्लरस फिर से आ गया तो यहाँ पर ग्रहणी की चिकित्सा और आम्लपित्त की चिकित्सा दोनों अलग अलग है नहीं तो ग्रहणी में एक अवस्था है जिसको हम आम्लपित्त कह सकते हैं। तो ये जो शुक्तत्व आ जाता है खाने को तो वो ही विषरूपता हो जाता है तो उसको हम आम्ल कहते हैं तो मंदाग्नि व्यापार में भी आचार्य कहते हैं लोह आम गंधी तिक्त आम्ल उदगार उद्गार, उद्गार तो ये तिक्त आम्ल उद्गार क्या है लोह आम गंधी उद्गार क्या है तो ये सभी आम्लपित्त के ही तो लक्षण है तो इसके बाद हम जाएंगे संप्राप्ति पर ये कैसे घट रहा है तो अभी हमने देखा मंदाग्नि हुआ तो मंदाग्नि से सम्यक तरीके से आहार का पचन नहीं हुआ तो उसके बाद आ जो आहार रस आहर जटर में अलसीभूत होकर बैठा था उसमें शुक्तत्व आ गया मतलब आम्लत्व में आ गया तो उसके वजह से ये आम्लपित्त का जनन हुआ तो उसमें क्या होगा मंदी करोतिकायाग्न मार्दवम आगते ये आचार्य कश्यप जी कहते हैं तो मंदाग्नि की वजह से क्या होगा तो जो भी आहार शरीर में जठर में होगा तो वो सब शुक्तत्व होके वहाँ पर आमाशय अलसी भूत होकर वहाँ पर अग्नि की दृष्टि की वजह से यहाँ पर आम्लपित्त की उत्पत्ति हो रहा है तो समसृज्यमानम पित्ते न दाहम तृष्णा मुखामयम इसके बारे में बताया गया जो आम रस बनेगा वो पित्त के साथ जब जब मिलता है तो वो समसृज्यमानम पित्ते न दाहम तृष्णा मुखामयम ये सभी लक्षण करने लगेगा जनयित आम्ल पित्तमश पित्तजांश अपराण गदान ये भी डायरेक्ट रेफरेंस ग्रहणीय अध्याय में हमें मिलता है तो ये जब आम रस पित्त के साथ विकृत विकृत हो जाएगा तो वो आम्लपित्त का जनन में कारण हो जाएगा तो ये हम अगर देखते हैं तो प्रैक्टिकली जो पेशेंट्स में देखते हैं तो ये है ऋतु के अनुसार ज़्यादातर ये हेमंत और शिशिर ऋतु में जो आ, अन जो शीत अवस्था में या शिशिर ऋतु में जब पित्त का शरत ऋतु में सॉरी जब शरत ऋतु में पित्त का प्रकोप ज़्यादा रहता है उस अवस्था में ऐसे रुग्ण ज़्यादा मिलते हैं मेनली शरत ऋतु में उसके बाद जो आमल रस का आहार का ज़्यादा सेवन करते हैं जो दही रोज खाते हैं ऐसे रोगियों में भी इसके बहुत सारे लक्षण मिलते हैं तो आम्ल रस हो या आम्ल विपाक हो दोनों भी यहाँ पर ले सकते हैं और ज़्यादा जो राइस खाते हैं जो चावल होता है जो चावल में भी जो नवीन होता है जो नवधान्य होता है वो बहुत ही अभिशंधि होने की वजह से वो आम्लपित्त का कारण बन सकता है तो राइस है दूसरा है जो टोमेटोज वगैरह ज़्यादा खाते हैं ऑरेंज वगैरह ज़्यादा लेते हैं जो टोमेटो वगैरह है तो वो भी जितना भी मधुर हो लेकिन वो आम्ल रस का ही कारण होता है तो दूसरा है मध्य का जो रोज़ पीते हैं जो मध्य पा सेवन करते हैं तो मध्य के जो व्यसनी होते हैं उनमें भी आम्लपित्त के लक्षण ज़्यादा दिखते हैं और जो पिकल्स है फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं चाट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं रोड साइड फूड जो पसंद है तो ऐसे लोग रोगियों में ऐसे व्यक्तियों में भी ये आम्लपित्त के लक्षण ज़्यादा दिखते हैं आचार्य यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं लो लोलुपता से जो खाते हैं जो भूख लगा इसलिए नहीं खाते लोलुपता ये चाहिए वो चाहिए ऐसे करके जो खाते हैं उनमें अग्नि अग्निदुष्टि होकर आम्लोपित्त का जनन होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो उसके बाद जो मेडिसिनस खाते हैं ज़्यादातर जो एस्प्रिन के कंटेंट वाले ड्रग्स हो पैरासीटामॉ हो या एन एस जो भी लेते हों तो इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं उनका जो सेवन ज़्यादातर करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में भी ये आम्लोपित्त का लक्षण दिखते हैं और आजकल जो ध्यान्य वगैरह होते हैं उनको कोटिंग करते हैं कुछ बोरिक एसिड वगैरह पाउडर्स लेके उस पर कोटिंग करते हैं ताकि ये कीड़े ना लगे तो ऐसे लक्षणों ऐसे आहार गहने का डायरेक्टली हम सेवन करते हैं तो उससे भी अग्नि अग्निदुष्टि होकर आम्लपित्त वगैरह उत्पन्न हो सकता है तो ये जो भी है आजकल के जो आचार्य बहुत सुंदर तरीके से चरक कहते हैं यो ही भुगते विधिम्ब त्यक्ता जो भी विधि के विपरीत जो के जो भी खाना खाता है या जो भी खान पान करता है यो ही बुकते विधिम त्यक्तवा गृहणी जान गदान जो गृहिणी दुष्ट होगा अग्निस्थान दुष्ट होगा स लौल्यात लबते शीघ्र वक्षन्ते परम तु तो उनसे जो लोलुपता से जो करते हैं उनकी वजह से अग्निदुष्ट हो आम्लपित्त का जनन होता है तो इसी के साथ जो ऐसे फूड वगैरह खाते हैं उनमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा जो बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन हो जाएगा तो एच पाइलरी वगैरह का इन्फेक्शन होगा तो एच पोइलरी पॉजिटिव आएगा तो हम जब एंडोस्कोपी करके उसका सैंपल भेजते हैं स्टडी के लिए तो एच जो पॉजिटिव आता है तो ऐसे इस, इसको भी हम कृमि अवस्था में भी हम ले सकते हैं और क्यों कृमि आह जठर में बन रहे क्योंकि यू हैव डेवलप्ड एन सच एन एनवायरमेंट वेयर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रिमीज इज़ पॉसिबल देयर अगर आपका जठर अग्नि ठीक था तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं रहता है तो ये सभी सोचने के विषय है जो अन्नद्रवशूल है परिणामशूल है ये सभी जो गैस्ट्राइटिस है डिओडिनल अल्सर्स गैस्ट्रिक अल्सर्स एवरीथिंग कम्स अंडर दिस पैथोलॉजी ओनली तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे पेशेंट क्या क्या हमें लक्षण बताएंगे एक तो अभी पाक जो भी खा रहा है उसका पाक नहीं हो रहा है क्लमा क्लमा और उत्कलेश क्लम बोले तो अनायास जो श्रम जो भी अनायास किए बिना उसको थकावट लगता है और उत्कलेश ज्यादातर वॉमिटिंग सेंसेशन से ज्यादा रहता है उत्कलेश तिक्त आम्ल उद्गार तिक्त उद्गार और आम्ल रस का उद्गार ज्यादा आते रहते हैं ठीक है ऋत्कंठ दाह रुचि विश्व हृदय और कंठ में दाह होगा छाती में जलन होगा वधित विश्व अगर इस इतने लक्षण हैं तो उसको आप आम्लपित्त करके कह सकते हो तो यही लक्षण आगे कहते हैं त्रिडदाह मूर्छा भ्रममोहकारी प्रय त्यधोवा विविध प्रकारान रिल्लासा कोटा अन हर्ष स्वेदांग पीतत्व करम कदाचित तो इसमें थोड़े डर्मेटोलॉजिकल लक्षण भी दिखते हैं जैसे कोट होगा इचिंग होगा पैचेस होंगे शरीर पर खोड़े होंगे तो ये सभी भी आम्लपित्त के रोगियों में प्राय बहुत हैं कुछ लोग होगी तो ये स्किन मैनिफेस्टेशन लेके ही आपके पास आते हैं तो जब आप हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा कि इसको आम्लपित्त है तो ये स्किन के मैनिफेस्टेशन क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो रस धातु में विकृति है जो आहार रस में विकृति है तो रस धातु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्किन और द त्वचा सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीजेज टेक्स प्लेस ऑन द त्वचा ओनली तो दिस इज द थिंग तो आचार्य माधव जी इसको ऊर्ध्व और अधोगा आम्लपित्त करके दो तरह में दो विभाग में विभाग करते हैं ऊर्ध्वगा आम्लपित्त और अधोगा आम्लपित्त तो ऊर्ध्व का आम्लपित्त में ज़्यादा जो लक्षण ऐसे बताते हैं वान्तम हरित पीतक कृष्णम आरक्ताम आरक्ताभम अतीवच आम्लम तो ऐसे लक्षण ज़्यादा अधिक लिखते हैं वहाँ पर नील कृष्ण रक्त जो वॉमिटिंग वा, है तो इसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं जो ये ब्ल्यूश और डार्क ब्लैक जो वॉमिटेस होता है तो ये क्या होता है तो ये जो ऑक्लूट ब्लड बल, जो कहते हैं हम जो ब्लीडिंग होता रहता है गैस्ट्राइटिस में जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं जो ब्लीडिंग अल्सर्स होते हैं तो उनमें जब पेशेंट में वोमिटिंग होगा तो ये नील पीत हरित ये जो भी ब्लैकिस डिस्कलरेशन वगैरह होता है तो ये भी लक्षण आपको इसमें अंतर्दान अंतर्भूत कर सकते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर्स ड्यूडिनल अल्सर्स ये ये पैथोलॉजी जो दिखाता है जो ये रक्त पीत जो आ, नील कृष्ण जो वॉमिटिंग होता है तो ये डीप सीटेड पैथोलॉजी है यहाँ पर धातुओं में दुष्टि है रक्त भी दुष्ट हो चुका है तो ये पैथोलॉजी आपको समझना है जनयति कंडू मंडलानी पीड़कानी अभी जैसे मैंने कहा कि आ, स्किन मैनिफेस्टेशंस भी आपको देखने देखने को मिलते हैं एक्सक्यूज मी अगर आप अष्टांग संग्रह में जाएंगे तो वहाँ पर अष्टांग संग्रह के सूत्रस्थान फिफ्थ में रेफरेंस आए तो आप लिख लीजिए अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान फिफ्थ चैप्टर में थर्टी थर्ड श्लोका वहाँ पर आचार्य जब प्रमीलिका रोग के बारे में बताते हैं प्रमीलिका इज नथिंग बट द साइनोनिम ऑफ आम्लपित्ता ठीक है तो आचार्य जब अष्टांग संग्रह में वृद्धवागभ जी जब लिखते हैं तो हिंदू जो टीकाकार हैं उनके वो टीका करते हैं उसमें जो प्रमेलिका रोग जो कहते हैं तो वो अम्लपित्त का ही साइनोनिम है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज पित्त विसूचिका सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पित्त विसूचिका आल्सो हियर ही सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रक्त धातु दृष्टि इन द कंडीशन ऑफ दिस अम्लपित्त सो आफ्टर पाचन विदाही आहार सो so जो आहार का पाचन होगा तो विदाख बनेगा तो विदाही आहार जो है वो रक्त को भी दूष्ट कर देगा तो यही लक्षण दिखते हैं वो है पच्यम विदाह कोपयदा पित्त कफस्थानान कफस्थाननलिरी तो ये सभी लक्षण अष्टांग संग्रहकार फिफ्थ चैप्टर में जो इंदू की टीका है वो डायरेक्ट श्लोका में नहीं है इंदू की टीका में ये सभी लक्षणों का वर्णित है तो ये कहने का मतलब इतना ही है क्योंकि ये डीप सीटेड जब पैथोलॉजी जाता है तो रक्त धातु को भी दूषित करेगा और रक्त के साथ जब दूषित हो जाएगा तो ये अल्सरेटिव पैथोलॉजीज जो डीप सीटेड पैथोलॉजीज होंगे वो सभी होने की संभावना ज़्यादा रहता है तो आम्लपित्त सिर्फ गैस्ट्राइटिस मतलब जो रस और धातु तक ही सीमित नहीं है ये रक्त तक भी जा सकता है तो ये हो गया रसक तत्व दृष्टि के बारे में भी मैंने बताया तो ये जो काउंटर सेल ऑफ एंटासिड्स हैं जो एंटासिड जो भी थोड़ा बहुत जलन होने लगा पित्त के लक्षण दिखने लगे तो लोग जाएंगे एंटासिड खरीदेंगे और खा लेंगे तो आराम हो जाएगा तो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पैथोलॉजीज बनेंगे शरीर में तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारियों का बुलावा हो सकता है जो भी थोड़ा बहुत एसिडिटी लगने लगा और आप रैनिटिडिन खा लिए पेंटाप्रोजोल खा लिए पैंडी जिंटैक एसिलॉक ये सब फेमस ब्रांडेड भी आप सुनते ही होंगे तो ये सभी खाने से विथाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्टर इफ़ द पेशेंट हिमसेफ गोज केमिस्ट एंड ही परचेज एंड ईट्स सो इसमें क्या हो जाएगा वहाँ पर उत्कलेश है शरीर में आमाशय में उत्कलेश है और वो उत्कलेश को आप बाहर नहीं निकाल रहे और उत्कलेश जो दोष बाहर आना चाहते हैं जो मलमल -मल होता है जो रल्लास होता है जो नॉजिटिव फीलिंग होता है तो वो दोषों को आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो उनको सप्रेस कर रहे हैं अगर आप ऐसे ही सप्रेस करते जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा जो ये छर्दी वेग धारण जन्य रोग जो आचार्य बताए हैं वो होने की संभावना है ये इट इज़ नथिंग बट छर्दी वेग धारण ओनली जब दोष बाहर निकालना चाहते तो आप उसको सप्रेस करते जाएंगे तो इट इज़ नथिंग बट द छरदी वेग धारण तो इससे भी दोषों का प्रकोपित होकर और सीवियर अवस्था में जाने की संभावना ज़्यादा रहता है ये जो पित्तज ग्रहणी बताए हैं आचार्य चरक का तो ये पित्तज ग्रहणी के लक्षण और अधोग आम्ल पित्त के लक्षण दोनों सेम ही थोड़ा बहुत सेम लगता है मेरे हिसाब से तो कटु अजीर्ण विदाही ही आम्ल क्षारा दे पित्तम उलबम ये निदानों से जब पित्त उलब हो जाएगा अग्निम आपलावा या धनती जलम तप्तम इवानलम जैसे जलते हुए जो बॉइलिंग वाटर है उस वो भी जब आग पर डालेंगे तो आग बुझ जाएगा वैसे ही जो पित्त प्रकोपित हुआ है पित्त इवन अग्निशम होते हुए भी आओ अग्नि को नष्ट कर सकता है क्योंकि उसके द्रवीय अंश से जलीय अंश से ठीक है तो ऐसे जो अजीर्ण हो जाएगा तो वो पित्त जो जो गृहिणी बनेगा तो उसके लक्षण भी सिमिलर होते हैं तो ये आम्लपित्त में दोषों को कैसे हम देखें चिकित्सा के हिसाब से अगर आम वात वातज है तो उसमें शूल प्रधान होगा ठीक है उसमें शूल जो प्रधान संप्राप्ति होगी पेशेंट यहाँ बोलेंगे यहाँ दुख रहा है और सेम पीठ में भी पेन होता रहता है तो ये रेफर्ड पेन्स होते हैं तो ये सभी वात के कंडीशन्स है तो यहाँ पर आपको पित्त के साथ साथ वात का भी चिकित्सा करना पड़ता है और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो पित्त के साथ जो सीवियर पित्त ही होता है शुद्ध पित्त प्रकोप होता है तो आम्ल पित्त में तो उसमें सिर्फ दाह राग पाक के लक्षण और उष्मायते दह्यते तुद्यते ये सभी लक्षण ज़्यादा दिखते हैं और जो कफ के साथ होंगे तो उसमें नोजिएटिक्स फीलिंग्स होगा हैवीनेस होगा और अजीर्ण और अग्निमांद्य और अरुचि के लक्षण ज़्यादा दिखते हैं तो ऐसे आप वात पित्त और कफ के साथ पेशेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो इसके बाद हम देखते हैं चिकित्सा पर जाएंगे अभी बहुत हो गया डिसीज़ के बारे में तो चिकित्सा क्या है तो कैसे हम चिकित्सा को शुरू करें तो दिस इज़ माई एडवाइज माई डियर फ्रेंड्स दैट डोंट स्टार्ट द ट्रीटमेंट विथ एंटासिड्स एज सुन एज द पेशेंट कम्स टू यू आप शर्दे ऐसे आम्लपित्ती के लक्षण दे के आ गया आप सीधा लिख दे काम दुगा रहा सूत शेख कर रहा कर चूड़ा नो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ ट्रीटिंग एनी पेशेंट ये तो कोई भी कैटलॉग फिजिशियन कर सकता है जो आयुर्वेद के मूल तत्व हैं उनके हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो सबसे पहले हमें करना है कि निदान का परिवर्जन तो ये निदान क्या है पेशेंट के ये थोड़ा एक थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो पेशेंट आपको बताते जाएगा तो पेशेंट आपके साथ फैमिलियर भी हो जाएगा तो उसको अच्छे से बिठा के हम पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठता है वहाँ से लेके हम शुरू करेंगे तो उसके बाद पूछते जाएंगे तो उसके निदान सामने आते जाएंगे तो ये निदानों के सेवन को आप बंद किए बिना आप चिकित्सा करते जाएंगे तो ठीक होगा पेशेंट लेकिन थोड़े दिन बाद फिर आएगा तो ये अपुनर्भाव चिकित्सा नहीं होगा ये चिकित्सा आप करेंगे पेशेंट ठीक होगा कुछ दिन के बाद फिर वही कंप्लेंट लेके आपके पास आएगा तो ये अपुनर्भाव चिकित्सा भी हमें करना होता है तो एक एग्जाम्पल बोलता हूँ मेरा एक छोटा सा एक पेशेंट था उसको ऐसे ही कंप्लेंट लेके क्लिनिक में आया था तो उसको छाती में जलन और वॉमिटिंग सेंसेशन और दिन में चार पांच बार उसको मोशन जाने की जो ये था चार पांच बार वो टॉयलेट को जाता था क्लियर नहीं होता था कृत्य पे अकृत संघने ये सब था उसको तो उसको जब मैंने देखा कि उसको बिटा के जब हिस्ट्री लेने को शुरू किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे हेतु मिले जो अग्नि को मंद करते थे वो दीवा स्वप्न करता था दीवा स्वप्न कैसे मैंने डायग्नोस किया कि वो सुबह नौ साढ़े नौ बजे उठता था तो दिन में सोना बोले तो सिर्फ दोपहर में सोने को ही दिवा स्वप्न नहीं कहते हैं। दिवा मतलब दिवस जब शुरू होता है सूर्योदय से शुरू होता है तो सूर्योदय के बाद अगर आदमी सो रहा है तो वो भी दिवा स्वप्न ही है ठीक है वो एक हेतु उसके बाद वो उठते ही बहुत सारा पानी पीता था वो एक हेतु था दूसरा और उसके बहुत सारे हेतु ऐसे थे कि वो ड्राई ड्राई फ्रूट्स खाता था और न्यूट्रिशनल है करके किसी ने बताया तो वो कुछ ऐसे विरूढ़ धान्य जो कहते हैं जो स्प्राउट्स जिसको कहते हैं वो खाता था और दूध पीता था तो ये सभी संतर्पण हेतु थे जब मैंने पूछा तो वो भूख लगता है इसलिए खाते हो नहीं टाइम के लिए खाता हूँ टाइम मेंटेन करना है इस इतने बजे खाना है तो खाना है तो उसके बाद उसको किसी ने बताया कि पानी भी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए तो वो कैलकुलेटेड कुछ ऐप था उसके मोबाइल में वो ऐप उसको रिमाइंड करता था कि वो तुम पानी पीना है अभी तुम्हें तो वो उसके रिमाइंडर से वो पानी पीते जाता था तो ऐसे बहुत सारे उसमें हेतु थे तो मैंने पूछते गया तो वो ऐसे बताता गया तो ऐसे हेतु जब थे तो मैंने बोला भाई ये सभी हेल्दी हेतु कुछ दिन के लिए तुम्हें बंद करना पड़ेगा तो हेल्दी हेतु सभी तेरे हिसाब से है वो तो अभी एक्चुअली देखे तो हेल्दी नहीं है तो उसको मैंने निदानों का सभी निदान परिवर्जन सभी उसको बोल दिया सिर्फ गर्म पा पानी पीने के लिए बोला तो मैं उसको सिर्फ दिया अग्निदीपन के लिए चित्रकारी वटी का मैंने दिया था वो भी एक आ, सिर्फ चार दिन के लिए सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने के लिए बोला था तो इतने ही करने से जब चार पाँच दिन बाद जब पेशेंट लौटा तो ये इसमें फिफ्टी परसेंट रिलीफ था जो पाँच छः बार मोशंस को जाता था वो कम होकर एक दो तीन बार हो रहा था लेकिन जो बाकी के जो लक्षण थे गौरव था रुचि था उल्लास था वॉमिटिंग सेंसेशन था बर्निंग सेंसेशन था ये सभी ख़त्म हो चुके थे ऑलमोस्ट नील थे वो हैरान था सर इतने बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं हुआ था तो इतने सिंपल मेडिसिन से ही कैसे हो गया एक ही टैबलेट था उसमें तो बाकी सब उष्णदक और मैंने थोड़ा सिद्ध जल वगैरह बना के पीने के लिए बोला था तो ये सभी लक्षण के बाद वो जब वापस आया तो खुश था तो ये क्यों बता रहा हूँ कि ये निदान परिवर्जन है सेल्फ प्रेस के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ लेकिन निदान परिवर्जन का इंपॉर्टेंस है ये हेतु है ये हेतुओं को बंद करने के सिवा आपको चिकित्सा में यशस्व नहीं मिलता तो ये हेतुओं को बंद करेंगे तो आप चिकित्सा के बिना भी आदमी ठीक हो जाएगा तो आप कुछ मेडिसिन दे देना ही है ऐसा अनिवार्य नहीं है ठीक है तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट कोर्स के लिए उसको थोड़ा त्रिकटु चूर्ण साथ में थोड़ा मुस्ता चूर्ण और इतना ही दे दिया तो उसके बाद एक शायद सूद शेखर रस दिया होगा तो सिर्फ इतने ही मेडिसिन से वो बहुत आराम हो गया था तो ये ऐसे हेतु हैं जो बहुत सारे हेतु मिलते हैं सुबह उठ के चाय पीते हैं खाली पेट में चाय पीते हैं कुछ लोग बिस्किट्स खाते हैं चाय के साथ तो और कुछ लोग नवीन शाली जो मतलब जो राइस बहुत होता है वो राइस के ही खाना ज़्यादा खाते हैं जो नव नवीन होता है जो हार्वेस्ट होकर एक साल भी नहीं हुआ है तो इनसे क्या होगा तो बहुत सारे अभी मधु मौदु, मधुकोष जी ने टीका में ये भी कहा है कि व्रीहीिक शस्टी, शालिम ओदन एना वर्धते ये जो आम्लपित्त है ये व्रीही सृष्टिकत शालीन ओदन ही ये है ये वृहि है षष्टिकशाली है और इनके ओदन इसके बना हुआ राइस इन सबसे वर्धिन वर्धन हो जाएगा वैदि बढ़ेगा कम नहीं होगा तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है और कुकर में जो खाना बनाते हैं तो कुकर में खाना बनाने से भी आ, जो आहार है वो गुरु बन जाता है और आप उसमें आ, आ, जो साल्ट होता है वो भी डाल के बनाते हैं तो और भी अभिचंद हो जाता है तो ये सभी हमें ध्यान में रख के आहार का चयन और पेशेंट के साथ व्यवहार करना चाहिए तो पित्त के अभी मैंने बताया और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आनुपदेश में ये व्याधि ज़्यादातर देखने को मिलता है जो आनुपदेश है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है तो ऐसे जगहों में ये अम्ल पित्त होता भी ज़्यादा है क्योंकि ये पित्त का सरगुण होने से वहाँ पर भी जो सरगुण ऐसे हम आप प्रकृति पुरुष साम्यता से आप कह सकते हैं दूसरा ये सभी निदान का परिवर्जन हो गया अगर बहु दोष है शरीर में बहुत दोष की वजह से ये व्याधि हुआ है तो आप इसको आ, कैसे आप देख सकते हैं तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर लास्ट में करूँगा पहले मैं अपना पूरा वक्तव्य खत्म करूँ तो शोधन का इम्पोर्टेंस क्या है जब बहुदोष अवस्था रहते हैं तो बहुदोष की अवस्था मतलब जब पेशेंट उत्कलेश है ज़्यादा और वोमिटिंग सेंसेशन है रोज़ सुबह वॉमिट हो रहा है तो और कफ का अंश बहुत है तो ऐसे रोगियों को पहले शोधन कर लेना चाहिए तो ये एक सिमिली आचार्य कश्यप जी अपने खिलस्तान में बहुत सुंदर सिमिली देते हैं वहाँ पर आचार्य कहते हैं अविशिष्के यथा क्षीरम दधिबाजने दधिभाजने क्षिप्रम एति कूर्चि में च गच्छति दैट इज आप कोई बर्तन है उसमें दही डाल के रखे थे और आप दही को फेंक दिया और फिर भी अंदर पूरा दही गया नहीं है उसमें आप दूध डालेंगे तो वो दूध फट जाएगा ऐसे ही हमारा आमाशय में है जो दूषित दोष है जो आम दोष है उनको निकाले बिना उनसे कोष्ट को शुद्ध किए बिना आप चिकित्सा करने जाते हैं तो वो चिकित्सा के जो द्रव्य देते हैं वो भी आम्लता की वजह से वो वो भी आम्लपित के हेतु बन जाते हैं तो इसलिए शरीर का शोधन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए आमाशय जो कफ स्थान है वहाँ पर ही जो दोष हो रहा है तो इसलिए पहले कफ का निर्हरण और आमाशय का ऊर्द्व शोधन जैसे वमन है तो आप वमन का करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर खिलस्तान का में हमने देखा व्याधिरामशयोत्थो ही अयम कफपित्ते तदाश्रय तस्मात आदित मूल छेदाय बुद्धिमान बलमांसस्य वमनम संप्रकल्पयत नान्यो मन्य मतलब बलमांस होना चाहिए पेशेंट का बलवान हो और उसके मांस आदि धातु बलवान है तो ही आप ये शोधन कर सकते हैं अगर दुर्बल है तो आप मृदु शोधन दे सकते कोई हरकत नहीं है तो इससे क्या होगा मूल छेद हो जाएगा अगर मतलब जो पेड़ मूल से ही आप निकालते हैं तो वो उसका प्रादुर्भाव और एक बार नहीं होगा तो ऐसे ही आप मूल से ही शोधन करेंगे तो और एक बार व्याधि होने की संभावना नहीं रहेगा तो ऐसे एक है और आगे कहते हैं दोषोत्कलेश न सहसा द्रवम औषधम आचरित दैट इज दोषों को निकालने के बिना आप द्रव आहार द्रव रूपी कुछ भी आप देंगे तो वो भी आम्लपित्त करेगा इसलिए आपको शोधन करना चाहिए तो ये वमन के बारे में हुआ तो वमन के बाद तो आप देखते हैं विरेचन का क्या रोल है तो विरेचन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्रॉनिक जो केसेस होते हैं उनमें आप थोड़ा सा स्नेहपन करा के विरेचन करा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बार बार जो आम्लपित्त के कंडीशन्स होते रहते हैं वो होने की संभावना कम रहेगा तो आप योग रत्नाकर को अब खोलेंगे तो योग रत्नाकर में आम्लपित्त की चिकित्सा बहुत सुंदर तरीके से वर्णित है वहाँ पर कहते हैं पूर्वम तो वमनम कार्यम पश्चात विरेचन कृतवांतावरिक्त से सुस्निग्ध से अनुवासन बहुत सुंदर है बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है पूर्वम तो अमनम कार्य पहले आपको अमन कर लेना है पश्चात मृदु विरेचनम उसके बाद मृदु विरेचन देना है इसमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है तो ये अर्थापत्ति है तो उसके बाद सुस्निग्ध से अनुवासन उसके बाद भी अगर दोष बचते हैं तो आप अनुवासन बस्ती दे सकते हैं तो यहाँ पर बस्ती का रोल हम बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर पित्त प्रदान व्याधि होने की वजह से विरेचन बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है और अधोगत आम्लपित्त में भी विरेचन का ही चिकित्सा बताया है तो विरेचन हमें देना चाहिए और यहाँ पर मृदु विरेचन का ही सिलेक्शन करना चाहिए तो आप कैसे करेंगे आ, इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली अगर बता दें तो आपको देना पड़ेगा घृतपान पहले स्नेह विरेचन से पहले तो आपको घृत कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे महातिक्तक का घृत है दाडिमादि घृत है विदार्य आदि घृत है तिक्तक घृत है महातिक्तक का ग्रत है तो इसमें से कोई भी एक आपके पेशेंट के बलाबल से दोषों के बल से आप देख के आपको स्नेहपन देना चाहिए तो स्नेहपन के बाद जब लक्षण आएंगे स्निग्ध लक्षण आएंगे तो आप उससे पहले थोड़ा दीपन पाचन का भी ध्यान में रखना है उसके बाद आप विरेचन कर सकते हैं विरेचन के लिए आप त्रिव्र तबले है आरोग्यदादी है और स्नेह विरेचन आप करना चाहते हो तो एरंड एरंड जो स्नेह होता है एरंड तेल उससे भी आप विरेचन दे सकते हैं नहीं तो अभिपत्ति चूर्ण जो मैंने हर लेक्चर में बताया है अभिपत्ति चूर्ण के बारे में तो अविपत्तिकर चूर्ण अलग है और अभिपत्ति चूर्ण अलग है अभिपत्ति चूर्ण जो है वो विरेचन योग है तो आप ये विरेचन योग से भी आप पित्त प्रायश पित्त रोगीणाम भी बोला गया डायरेक्ट इंडिकेशन है तो आप इससे विरेचन भी आप दे सकते हैं इसके बाद बस्ती का बारे में बोला है जो बहुत ही जीर्ण पेशेंट हो चुके रहते हैं आम्लपित्त के सदा रोगी रहते हैं वो उनको हर हमेशा पेट में दर्द रहता है ऐसे व्याधि होते हैं तो इनमें उर्द्व अधोशोधन दोनों होने के बाद मृदुअमन दे दिया मृदु विरेचन भी दे दिया ये सब होने के बाद उसको आप अनुवासन बस्ती देंगे तो वो बहुत ही फलप्रद होगा आप क्षीर बस्ती भी दे सकते हैं जो बलदानार्थ उत्तम होता है तो आप अनुवासन बस्ती यही घृतों से भी दे सकते हैं तेल से भी दे सकते हैं तो ये सभी आपको प्रैक्टिकली थिंक करना है तो उसके बाद ये सभी शोधन होने के बाद शमन पर अगर हम आते हैं तो ये शमन औषधि देने से पहले थोड़ा शोधन कर लेने के बाद निदान परिवर्जन कर लेने के बाद आप कुछ भी देंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा तो जैसे तिक्त रस का प्रधानता से यहाँ पर उपयोग करना चाहिए तो तिक्त रस के द्रव्य कौन से भी हो यहाँ पर अच्छे से इफेक्ट करते हैं क्योंकि कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्यम तो कुरवते तो यहाँ पर कषाय रस स्तंभन होने की वजह से उतना यूज नहीं होगा तिक्त रस का प्रयोग पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा माना गया तो आप तिक्त रस वाले द्रव्यों को इस्तेमाल कर सकते जैसे पटोल है द पटोला इज वेरी बेस्ट क्तरस एंड आलो पित्त सारक एंड विरेचक आल्सो सो पटोला यू कैन यूज एंड आल्सो कटुकी कटुकी इज वेरी बेस्ट पित्त सारक पित्त विरेचका एंड यूजली यूज इन द कंडीशन ऑफ दिस पित्तक पित्त काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, तो कटुकी इज एन वेरी बेस्ट भेदना एंड अनुलोमन द्रव्य सो वी कैन यूज इवन आप पटोला कटुरोहिणी और सर्ज ऐसे कॉम्बिनेशन बना के भी आप शमन के लिए दे सकते हैं तो उसके बाद जो आ, मिनरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे शंख भस्म है शुक्ति भस्म है कपर्दिका भस्म है प्रवाल भस्म है मुक्ता भस्म प्रवाल पिष्टी हाँ एंड पंचामृत पर ऑल जो भी आ, जो मिनरल प्रोडक्ट्स हैं इनका भी इस्तेमाल आम्लपित्त में बहुत अच्छा होता है तो आप इनको देने से भी जो एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज होने में बहुत काम होता है तो आप पटोलादि कशा इज द बेस्ट वन पटोला अमृता परपटा निम्बा भूनिम्बा एंड त्रिफला आर द कंटेंट सो ऑल आर तिक्त रस एंड जो भी तिक्त कशा और कटु uh, रस होते अपतर्पण रस होने की वजह से ये संतर्पण व्याधि में भी इस तरह से भी आप सोच सकते हैं तो उसके बाद दी काढ़ा है तो बूनिम्बादि काढ़ा इज वेरी बेस्ट पित्तरा द्रव्य इट इज़ वेरी बेस्ट पित्तहरा एंड शीत वीर इट इज़ वेरी गुड एक्टिंग ऑन दिस काइंड ऑफ कंडीशन सो भू काढ़ा का आप इन बिफोर फूड अवस्था में आप दे सकते हैं अगर ये कंपनी पर कंपनी पर डिपेंड करता है जैसे जो काढ़ा फॉर्म में है तो वो थोड़ा खाने के बाद दिए तो अच्छा है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव और वो थोड़ा एरिस्ट uh, के ऊपर जाता है तो उसको हम खाने के बाद में दे सकते हैं और जो कषाय होता है भू कषाय तो इट तो इज़ वेरी सूथिंग एंड वेरी शीता इट कैन बी यूज इन बिफोर फूड ऑल्सो और शतावरी चूर्ण होता है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं ब्राह्मण भी है और शीतवीर्य और मधुरस होने की वजह से इसका भी इस्तेमाल होता है तो उसके बाद हम दे जाएंगे सबसे फेमस फॉर्मुलेशन दैट इज अविपत्तिकर चूर्ण तो आमलोपित का जो भी मरीज आता है अविपतिकर चूर्ण पकड़ा देते हैं तो अविपत्तिकर चूर्ण में हम देखते हैं तो क्या क्या है त्रिकटु त्रिफला मुस्ता विडम चैव विडंग तो त्रिकटु है त्रिफला है मुस्ता है विड रवण है विडंग है जो भी विडंग जो बहुत ही अच्छा कृमिघ्न भी है इसके अलावा है उसमें लवंग लवंग आप देखते हैं तो ग्यारह पार्ट है इसमें तो लवंग का चूर्ण होता है उसके बाद त्रिवृत्त का पार्ट फोर्टी फोर पार्ट्स बोला गया है तो त्रिवृत्त है उसके बाद सीता दैट इज शर्करा दैट इज सिक्सटी सिक्स पार्ट्स सो so तो आप इसका देखते हैं रेशियो तो वन इज टू फोर इज टू सिक्स वन लवंग फोर रेशियो ऑफ त्रिवृत एंड सिक्स रेशियो ऑफ सीता है तो ये कॉम्बिनेशन जो है अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है विच इज न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स विच इज अग्निदीपना विच इज स्रोतोशोधना शोधना एंड विच इज इक्वली क्रिमिग्न आल्सो एंड विच इज पित्त शामक एंड पित्त रेचक का द्रव्य सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है आप अगर देखते हैं ध्यान देके तो ये अभिपत्तिकर चूर्ण में लवंग का क्या रोल है ये तो उष्णी उष्ण द्रव्य है ना तो कटु रस प्रधान है तो इसको पित्त में कैसे यूज़ कर लिया तो इसका अभी शंका मुझे भी आया था तो जब इसके बारे में आपने अध्ययन किया तो निघंटुओं में जब देखा तो लवंग जो है वो शीतवीर द्रव्य है तो शीतवीर है और कटु रस होने की वजह से ये स्रोतोशोधन भी करेगा और ये पित्त का शमन भी करेगा तो यहाँ पर प्राकृत रस है कटु इसका तो ये इसकी कॉम्बिनेशन एंड डोज आल्सो मैटर्स तो हम देखते हैं तो इसके बाद द्राक्षादि कषाय है अगर कषाय में अगर आप देना चाहते हो तो द्राक्षादि कषाय इज़ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन पित्त सारक है और आल्सो अग्निदीपन भी करेगा और अनुलोमन और सूथिंग इफेक्ट भी देगा और आप अवलेह के फॉर्म में भी दे सकते हैं द्राक्षादि अवलेह आल्सो उसके बाद धात्री लोह है जो थोड़ा बहुत अगर आपके पेशेंट में थोड़ा ये रसाजीर्ण की वजह से अगर पांडु के लक्षण वगैरह दिखते हैं तो आप कोई लोह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आम्लपित्त भी है तो ऐसे कंडीशन में धात्री लोह जो है विच इज नॉट किडिंग यूअर आम्लपित्त ऑल्सो एंड हैज़ हैविंग धात्री दैट इज uh, uh, इसमें जो आम्ल की होता है तो ये कल्प बहुत ही अच्छा सिद्ध होता है जो धात्री अवले धात्री लोह है उसके बाद स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण है जो विबंध के साथ ऐसे लक्षण ज़्यादा दिखते हैं तो अनुलोमन करना चाहते हो तो स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं दूसरा बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है सूतशेखर रस तो सूतशेखर रस का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे हम जहाँ पर साम पित्त के लक्षण ज़्यादा है तो वहाँ पर हम सूतशेखर रस का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पर निराम पित्त के लक्षण हैं तो वो वहाँ पर हम कामदुगा रस का इस्तेमाल करेंगे ये हिंट है आप आम निराम कंडीशन आपको खुद को तय करना पड़ेगा उसके बाद नारिकेल लवण है अगर नारिकेल लवण इज़ वेरी ब्यूटीफुल कल्प इसके ट्री नारेल लवण बनाने की जो पद्धति है उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है सनातन आयुर्वेदा चैनल पर आप वहाँ पर जाके भी नारिकेल लवण बनाने की पद्धति के बारे में देख सकते हैं तो वो नारिकेल लवण है वो उसको नारिकेल लेके उसमें छिद्र करके नारियल का पानी बाहर निकाल के उसमें जो सैंधा लवण भर के वो बनाने की पूरी प्रकृति है अगर उसके बारे में बोलूंगा तो बहुत देर लगेगा तो नारिकेल लवण की बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है सॉरी बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है तो ये एसिड न्यूट्रलाइज करेगा इसका पीएच अगर आप देखते हैं तो नारिकल लवण का पीएच बहुत ही न्यूट्र मतलब अल्कलाइन है तो अल्कलाइन जो द्रव्य एसिड फार्मुलेशन में देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो नारिकेल का खंड भी बना के आप रोगी को दे सकते हैं दूसरा एक और एक कॉम्बिनेशन मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ वो है वैश्वान और चूर्ण में नारिकल लवण मिला के देना तो ऐसे आम्लपित्त में कैसे हेल्प होगा जो वैश्वान और चूर्ण है, वो बहुत ही अच्छा अग्निदीपन है तो कफ का स्थान जो आमाशय का स्थान कफ स्थान है तो वहाँ पर अग्निदीपन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप पित्त का प्रकोप ही नहीं यहाँ पर पित्त शमन के साथ साथ अग्नि का भी वर्धन करना है सो so दैट द आम्ल अवस्था और द आम फॉर्मेशन विल नॉट अकर सो so, आप वैश्वान और चूर्ण के साथ अगर नारी के लवण देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ अगर आप नारी के लवण भी मिलाएंगे और गोदंती भस्मों भी मिलाएंगे तो और भी अच्छा होगा तो गोदंती बस्मा इज ऑल्सो वेरी एक्सलेंट पित्त शामक का ही होगा तो भूनिम्बादी कषाया देते समय अगर आप द्राक्षादि कषाया मिक्स करके देंगे तो भूनिम्बादी प्लस द्राक्षादि कशाया दैट ऑल्सो इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन तो अगर कफ का एसोसिएशन है ज़्यादा तो आप त्रिकटु का इस्तेमाल नारिकल लवण के साथ कर सकते हैं या पंचकोल चूर्ण के साथ आप दे सकते हैं तो ये सब हुआ अगर पेप्टिक अल्सर्स वगैरह बहुत ही डीप सीटेड संप्राप्ति है डिओडिनल अल्सर्स वगैरह हो चुके हैं तो ऐसे अवस्था में आप सूत शेखर रस का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर ज़्यादा द्रव्यों को देना पड़ेगा शोधन शमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आप सद्य वमन देंगे या सद्य विरेचन या क्लासिकल आप स्नेहपन करके भी विरेचन या वमन देना है जो शोधन होने के बाद ही शमन का शुरू करेंगे वो चाहे एच एचपैलोरी हो या जो भी वजह से गैसलाइटिस हुआ हो तो उसके साथ अगर आप सूतशेखर रस गोदंती भस्म अगर वैपत्तिक चूर्ण के साथ भी देना चाहते हो तो दे सकते हो और बूनिम्बा दिखाड़ा तो इन तीनों को आप बहुत देर तक बहुत दिन तक एक दो महीने तक चलाना पड़ेगा तो इसके वो संप्राप्ति वहाँ पर बंद हो जाएगा तो आप अगर कृमि हैं तो आप थोड़ा कृमिकुटा रस के साथ अग्नितुंडी वटी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं तो ये कॉम्बिनेशंस हो गए ऐसे आप अपने मर्जी से अपने युक्ति से ऐसे करोड़ों फॉर्मूलेशन आप बना सकते हैं इससे पहले ये फॉर्मुलेशन्स अगर ऐसे रट्टा मारने के लिए नहीं है तो इनको आप अपने युक्ति से पेशेंट में इस्तेमाल करना है तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया तो इसके इसके अलावा आप कोई सिंगल द्रव्य से भी चिकित्सा कर सकते हो अगर निदान परिवर्जन हो गया और शोधन अच्छे से हो गया तो तो ये आपका युक्ति पर आधारित है इसके बाद हम अगर पेशेंट को एडवाइस करना चाहते हैं तो पथ्य में आप पुराण धान्यों को बारे में आप बताइए मुद्ग आप लेने के लिए कहिए और मसूर वगैरह यहाँ पर जो दाल होता है वो थोड़ा पित्त प्रकोपक होता है और कुलत जो कभी भी नहीं देना चाहिए आम्लपित्त के पेशेंट्स को ठीक है कुलतहा आम्लपित्त जनन नाम श्रेष्ठ तो ऐसे ही अग्र द्रव्य हो आम्लपित्त जनन करेगा तो इसलिए आप कुलत को नहीं देना है पेशेंट को और दिवा स्वप्न को कर करने के लिए नहीं बोलना है और अजीर्णासन आध्यसन विषमासन इनके बारे में थोड़ा आप जागृत करेंगे तो पेशेंट को और इसके साथ साथ ऐसे अदर देन दैट यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक दिस पथ्य आहारस ठीक है काल शाख है ऐसे बहुत सारे शाखों के बारे में भी uh, चिकित्सा में बताया गया है तो ये हुआ इसके बारे में अभी देखते हैं कुछ प्रश्न है यहाँ पर सो ट्रीटमेंट ऑफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इफ इट इज़ आम्लपित्त सर यहाँ पर आम्लपित्त में अगर प्रेग्नेंट वुमन को होता है तो यहाँ पर अनुलोमन द्रव्य नहीं देना चाहिए जो हरी तक्की वगैरह कंटेंट होता है तो उनको थोड़ा अवॉइड करना होता है इसके अलावा आप मादीफल रसायन जो है वो बहुत ही अच्छा कल्प होता है और रस का भी भ्रमण भी करेगा और आमला रस आमल थोड़ा बहुत किंचित आम्ल होते हुए भी वो पित्त का शमन करेगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लघु सूत सूचशेखर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो उसके अलावा आप प्रेग्नेंट वुमन में थोड़ा केयरफुल ही करना है और उस उनमें थोड़ा उनको आ, आ, जैसे कि जो सिद्ध जल होते हैं जो धान्य का सिद्ध जल है जीरा का सिद्ध जल है ऐसे सिद्ध जलों के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी देना उचित रहेगा सर उसके अलावा सिद्ध जल के कंटेंट्स पूछे गए हैं जैसे धान्य होता है धान्य का भी आप पूछे, नहीं तो गुडुची का सिद्ध जल आप बना के दे सकते हैं गुड़ूची का एक स्टेम ले लिया थोड़ा सा एक दो इंच का उसको थोड़ा कूट के आप पानी में गर्म करके या बॉयल करके भी आप दे सकते हैं वाट कैन बी डन इन द देशेंट्स प्रिस्क्राइब एंटासिड्स विद एस्परिन शुड ही टेक इट और नॉट तो ये एस्परिन वगैरह क्यों ले रहा है वो सभी के ऊपर निर्भर करता है तो वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो डॉक्टर को ही कंडीशन देख के डिसाइड करना होता है आ, उसके बाद कुछ ठीक है जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में क्वेश्चन है तो पैनक्राइटाइटिस इज अगेन अग्निदृष्टि है तो यहाँ पर आप अग्निदृष्टि की चिकित्सा करना पड़ेगा इसको ऐसे आप रैंडमली वी कैनॉट एक्सप्लेन मच अबाउट दैट देर इट इज मो, मोर टुवर्ड्स द पित्तर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ओनली अलॉन्ग विद दैट गृहणी पित्तज गृहणी जो है उसकी चिकित्सा यहाँ पर देना पड़ेगा ठीक है उसमें गुलम होता है तो गुलम की चिकित्सा पित्तज गुल्म आप कैन बी कंसिडर्ड हियर सो दिस पैनक्राइटाइटिस ऑनऑल सो यू कैन रेफर फॉर दैट इफ़ रोगीज़ अबो सेवेंटी ईयर्स कैन ही स्टिल डू शोधना कैन बी डन नो सर नो मैडम एक्चुअली सत्तर साल के हैं तो उनको आप नित्य शोधन या नित्य विरेचन के कुछ द्रव्य अगर आप निदानों का परिवर्जन करके नित्य शोधन के लिए जैसे स्वादिष्ट विरेचन है और uh, अभिपतिकर चूर्ण है वो रात में अगर आप देंगे तो वहाँ पर uh, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा ठीक है uh, मैं सोचता हूँ और भी कुछ uh, ज़्यादा डाउट्स हो तो आप uh, पोस्ट कर सकते हैं और uh, 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 like If they want to consult for personally also, I will give the number 9916516416. You can uh, contact over that. So I think this is uh, a very beautiful session and uh, I have done the interaction with uh, such uh, eminent people. And thank you, Nirok Street, for uh, giving such a wonderful uh, opportunity for me. Uh, you can connect with me at the uh, Facebook uh, channel or the page that is... Uh, uh, sanatana ayurveda you can uh, contact over that you can like that page so that to be in con contact with me and this is think i am uh, this is the last lecture so we'll hope uh, in the ne next any other further uh, uh, sessions so migraine due to acidity that is also similar sir uh, you have to treat the acidity देन विल बी लाइक ये आम्लपित्त का पूरा चिकित्सा करने पर वो परतंत्र है माइग्रेन तो परतंत्र दृष्टि जो स्वतंत्र की चिकित्सा करने पर अपने आप अप शांत हो जाएगा ठीक है आई थिंक इट इज़ द वेरी वंडरफुल सेशन थैंक यू एन एंड ऑल हरिओम